पूजा कर बड़ी बड़न में बजाऊं मैं पूज न थकी जो कह लगो छो गाड़ हिमली हल्दारी की चली बोली हिमली तो ठीक है अब आगे बढ़ाना दूर तक भावना चुपाल जी और ये हमारी हिमली थैंक यू हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब, आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, तो अभी जो है बारिश रुक चुकी है। तो हम जा रहे हैं अभी प्रोग्राम में, प्रोग्राम जो है वो है पप्पू कार्की जी की 39वीं जयंती है, आज जयंती समारोह है उनका। तो उसमें क्या है कि सारे कलाकारों ने उत्तराखंड जो हमारे कुमाऊं के कलाकार हैं उन लोगों ने एक प्रोग्राम रखा हुआ है, क्योंकि पप्पू कार्की जी आज हमारे बीच में रहे नहीं, तो इसी लिए उनके जन्मदिन पर उनके मतलब उनके गाने वगैरह गाए जाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, तो चलिए मिलते हैं। तो हम लोग गए हैं हल्द्वानी में पप्पू कार्की जी की 39वीं जयंती है और यहाँ पे हो रहा है केक सेलिब्रेशन। यह इनकी ये हैं तक्ष कार्की और ये हैं कविता कार्की जी और इनके साथ यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। और ये हमारे कुछ उत्तराखंड के फेमस कलाकार, ये हैं भावना चुपाल जी और ये हैं हमारी हिमली थैंक यू I'm not afraid of the dark.
Oh,
फेमस है हिमली हल्दारी की चिली बोली हिमली। ठीक है तो दोस्तों इनसे सपोर्ट करो यार, हमको भी सपोर्ट करो, इनको भी सपोर्ट करो, इनको बहुत आगे बढ़ाना है दूर तक। तो दोस्तों मैं अभी आपको कहना चाहूँगा हमारी जैसे तो ये तो प्रोग्राम हो गया खत्म और सारे जितनी पब्लिक आई थी यहाँ पे सारे घर को जा रहे हैं और हमारे कलाकार लोग भी घर को जा रहे हैं। तो पप्पू दा के जन्मदिन को ऐसे ही हम लोग अगले साल भी बनाएंगे, सब लोग मिलके बनाएंगे, आप लोग भी आना और बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करनी है क्योंकि पप्पू दा हमारे जाने माने कलाकार थे, वो तो नहीं रहे लेकिन आज उनकी यादें हमारे बीच जरूर हैं। तो सब लोग जा रहे हैं घर को, तो अब हम भी चलते हैं घर की तरफ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो प्रोग्राम हो गया ख़त्म और सारे जितनी पब्लिक आई थी यहाँ पे सारे घर को जा रहे हैं और हमारे कलाकार लोग भी घर को जा रहे हैं। तो पप्पू दा के जन्मदिन को ऐसे ही हम लोग अगले साल भी बनाएंगे, सब लोग मिलके बनाएंगे, आप लोग भी आना और बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करनी है क्योंकि पप्पू दा हमारे जाने माने कलाकार थे, वो तो नहीं रहे लेकिन आज उनकी यादें हमारे बीच जरूर हैं। तो सब लोग जा रहे हैं घर को, तो अब हम भी चलते हैं घर की तरफ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।